थैंक यू इंस्पेक्टर जूलिया, आपने हमारी बहुत मदद की। इस आदमी को तो मैं ख़त्म करके ही छोड़ देता। La police française sera toujours là pour vous. C'est un homme dangereux pour nous aussi. La French police est toujours avec vous. Et cet homme peut devenir un danger pour vous. Harpreet Dhonga. Oui, c'est très dangereux. Quelqu'un a tué la CID près de près. Il a essayé de tuer tous les officiers. एसीपी प्रद्युमन, मैंने तुम्हारे लिए एक सीढ़ी दी। माय गॉड, ड्रग्स। ये ड्रग्स कोई खतरनाक ड्रग्स है क्या? ये बहुत खतरनाक ड्रग्स है यार। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, बात क्या है? भैया, ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी ये तो शुरुआत आगे देखो आईडी के साइड क्या 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 कर रहा है। तारिका जी भी डॉक्टर सोनाली और तारिका दोनों को किडनैप कर लिया। वो दोनों यहीं थे, डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर तारिका को उसने यहीं बांध कर रखा था। वो जो कोई भी है उसे हमारे आने के बारे में पता चल गया था, इसलिए लेकर निकल गया उनको। हमारे साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है। पहले दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया, अब तुम पर हमला किया। ये हो क्या रहा है? लड़की को किडनैप किया? आज तक जो कभी नहीं हुआ था वो हो चुका है। इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही गोली है, तुम में से एक एक इस रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाएगा। नहीं काजल, काजल नहीं। क्यों करियो ये सब? तुम बाहर निकलो। रिश्ते नाते सब खत्म विवेक। ये आप क्या कर रहे हैं सर? बम बनाने का सामान। उस वक्त अगर तुम यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा पाते। कहीं सारुण की जान को तो खतरा नहीं? माय गॉड, बम है। विजय तो सीआईडी की दुश्मनी हमसे है, इसीलिए वो सीआईडी से जुड़े लोगों को एक एक करके उठा रहा है। तो ये है इसका आखिरी प्लान। इन लोगों की याददाश्त वापस आने से पहले ये खेल इन सब लोगों को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। अब आया इस खेल में मजा। शायद ये मेरा दुश्मन है और किसी भी हाल में तुझे मारना है मुझे। अरे पूरा का पूरा सीआईडी डिपार्टमेंट आपके ऊपर घमंड करता है, घमंड। सर आप यहाँ से जाइए। सर आप प्लीज यहाँ से जाइए सर, प्लीज बात। सर आप यहाँ से जाओ, नहीं तो क्या करोगे तुम? सर मैं अपने आप को गोली मारूंगा। सर मैं गोली मार लूंगा। रिक्वेस्ट प्लीज। आई एम सॉरी सर। एचडी एचडी
भेज दिए। जिन लोगों ने तेरा साथ दिया उनको तो तूने मार दिया, पर उन्हीं लोगों ने हमें बताया तू कहां छुपा। पेरिस में छुपा है तू। देख, तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। अर्पित डोंगरा नाम के आदमी का नाम ही मिटा दूंगा मैं इस दुनिया से। On a fait des recherches aussi sur Herpes Dongera. इन लोगों ने कुछ इंक्वायरी ली है Herpes Dongera. अच्छा, तो क्या क्या पता चला आप लोगों? Apparemment, il traînerait avec beaucoup de gens riches. काफी अमीर लोगों से मिलता जुलता है आजकल। अमीर लोगों से? क्यों? क्यों मिलता है वो अमीर लोगों से? En tout cas, ils sont tous aussi futés. Ils font tous partie de la mafia. पता नहीं, मगर ये सब लोग उसी की तरह बदमाश हैं, सब अंडरवर्ल्ड के लोग। अच्छा, एक्चुअली क्या आप लोगों को पता है वो कहाँ आते जाते रहता है इस एरिया में? Vous savez, dans ce quartier de Paris, il y a plein d'Indiens, de Sri Lankais, plein de boutiques. Ils peuvent se cacher n'importe où. Paris के इस एरिया में काफी इंडियन और श्रीलंकी हैं, तो वो यहाँ आसानी से छुप सकता है। तो फिर वो ज्यादातर कहाँ पर आता है? Apparemment, il serait souvent dans un magasin de sari. Sari? Sari shop? Yeah. Kahan par? Yeah, c'est par là. T'as planqué où? Je sais pas de quoi vous parlez. Voilà, qu'est-ce qu'il va te faire? Est-ce que malou ou ni coach? Je malou, hein? Qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Tu sais que tu finis au travail? Laissez-moi tranquille. Ah, que tu laisses tranquille. Je te laisse tranquille. Volta et chorde. Pas vite chorde, t'en veux faire. Ah, boss! Téda ho gaya ye. Eiffel Tower ke niche téda ho gaya. क्या? नहीं बॉस, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते बॉस पेरिस में। ओके बॉस, ओके। बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी की, बाहर आया अब। सब पंटर लोग इधर आईफल टावर के नीचे फलाफल खा रहे हैं। सुन, लोटस के फूल, ये अपनी चिल्ली है, इसको जरा इधर का नजारा वगैरह दिखा ले।
समझा, आइसक्रीम खिला, चिकन चिल्ली खिला और उसके जूते मैंने नए ला के दिए। उसके जूते की तरफ देखने का, मुंह की तरफ देखा तो तेरे मुंह की चमड़ी खींच के उसके जूते बना दूंगा, समझा। चल चिल्ली, ही विल शो यू अराउंड आईफेल। अच्छा तो ये मच्छर तंग करा था। हाँ बस, तुम को नहीं पता इसी मोह फ्रेंच टू रेस्पेक्टे टू स्टार से मुंह करके कौन से फीचर गाना गा रहे हैं? बोलता है जानते नहीं हूँ मुझे, फ्रांस में इसका बड़ा नाम है, ये इसका इलाका है बस। हाँ इसको बोलना इलाका ना कुत्तों लोग कर था और कुत्तों का काम रहता है दूम इलाका। क्या है थोड़ा दूम ये क्वार्टियर से पोर ले शियां ए ले शियां इल या वेक्यू टू से ला पुलिस मे क्रें इसी। हाँ पुलिस भी जानती है इसको बस। पुलिस ये भी जानती है कि ये दो नंबर का माल इधर से उधर करता है। हाँ इतना बड़ा आदमी है तो ये जिंदी जोर लोग जो इधर उधर कुछ बेचते ना, हाँ उन लोग से माल क्यों लूट रहे हैं सबसे जान दो उसको। सर तू पैसा 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 बता पैसा बता पैसा मनी 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 नहीं 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 बोल रहा नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा नहीं बोल रहा नहीं बोल बेकार आदमी बेकार। इसको कार में ले गए इसमें पड़ू मैं यहाँ पे जिंदा कैसे बच गया? तो कौन सी मिट्टी का मना साला मरता ही है? ओ यहाँ से कुछ चिया व्यक्ति हुई कॉप चलो तो उसको घुसा अंदर साला ठीक ये साला ये साला इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? तब तो हमारे किसी आदमी को पकड़ा है फ्री इंडिया में। Tu as peur du SCP? ए क्या बोलिए चिल्ली बोले कि आपको डर लग रहा है एसीपी से? ये बोली या तू बोली? अरे काम होने दे, आदमी तेरी गर्दन ही मरोड़ देता हूँ। किसकी दी? You want to donate your money? Money? तेरे को तुम्हें पैसे नहीं तोल दूँगा। किसकी दी? किसकी दी नहीं, यार टेंशन है, चुप 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 चुप। वो तो शेर की तरह इधर आ रहा है। ये तुम्हारे को डरा रहा है क्या? हाँ? हाँ? डरा रहा है मेरे को? अरे इंडिया में होता ना तो 10 बार मार के 10 बार गाड़ चुका है। Alors voilà, on le voit très souvent ici. ICP. उसको यहीं अक्सर देखा गया। यहाँ पर? Il est peut-être dedans. हो सकता है वो अंदर ही हो। अंदर? बोनजोर, जे पूव वूज़ एडे? आप हिंदी बोल ली थी? जी। गुड, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से आपसे पूछताछ करने आया हूँ। पूछताछ? किस बारे में? एक आदमी के बारे में। कौन आदमी? हरप्रीत डोंगरा, एचडी। हरप्रीत डोंगरा? जानती हैं आप इसे? इससे क्या पूछते हो एसीपी?
हमसे पूछो हम बताते हैं। No. Le jeu est terminé, ICP. Je vais te tuer. तुम्हारा खेल खत्म ICP. Tu peux pas le tuer, c'est un flic. ये पुलिस है, तुम इसे नहीं मार सकते। तू भी मरेगी। Vas-y. Fire. ये क्या किया तुमने? गोली मार दी। Je vais te tuer. एसीपी को मारेगा? हाँ? एसीपी फरदीमन कभी अकेले नहीं होते, उनकी ताकत हमेशा उनके साथ चलती है। अभिजीत, अभिजीत हाथ पीछे डोंगरा यही कहीं छुपा है, ढूंढो उसे। Herr, ja. Du. Ja. Wann kommst du? Ja, ja. Bitte. Ja, für den. Ja. Yeah. Excuse me, I need to borrow your bike. Pardon? I need to chase that man, please. Where is this? Can't see any movement.
बहुत भाग। जब दया का हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। बता तेरा बॉस कहाँ है? ज़ुरिक। ज़ुरिक? इतनी जल्दी ज़ुरिक कैसे पहुंच गया? ज़ुरिक इंडिया रेस्टोरेंट। ज़ुरिक इंडिया रेस्टोरेंट? ज़ुरिक? एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी, आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमें हरप्रीत डोंगरा से मिलना है। किसे? हरप्रीत डोंगरा, वो यहीं आने वाला था ना। कौन? तुम्हारे गले में कुछ अटका है तो निकाल दो। हरप्रीत डोंगरा कहाँ है? सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं किसी हरप्रीत डोंगरा को नहीं जानता। जानते नहीं हो या पहचानना नहीं चाहते? इसे देखो और जरा ढंग से देखो और बताओ। इसे तो मैं जानता हूँ सर, ये अक्सर यहाँ आता जाता है, पर मैंने कभी इसका नाम नहीं पूछा। यही हरप्रीत डोंगरा है। अच्छा, ये आदमी तो थोड़ी देर पहले यहीं पे था। अभी भी यहाँ था? हाँ, कौन सी टेबल? इसी टेबल पर बैठता है। यहाँ पे? सर मैं बाहर देखता हूँ। हाँ, अकेले आया था या साथ में कोई और भी था? वो अपने एक दोस्त के साथ था, अर्जुन। कौन अर्जुन? वो हमारे यहाँ वेटर का काम करता है। अर्जुन? वेटर के साथ दोस्त? जरा बुलाओ इस अर्जुन को अभी। उसका तो शिफ्ट खत्म हो गया था, वो तो चला गया। इसे बाहर तो कहीं नहीं दिखाया। ये अर्जुन गया था? वो बर्न स्टेशन गया है सर, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने। गर्लफ्रेंड? उसकी एक रशियन गर्लफ्रेंड है, जब वो अपनी शिफ्ट खत्म कर लेता है तो उसको मिलने अक्सर चला जाता है। अच्छा, उसकी कोई फोटो वोटो है तुम्हारे पास? जी, एक मिनट लेके आता हूँ। हमें जल्दी बर्न स्टेशन चलना चाहिए, कहीं अर्जुन निकल न जाए। हाँ सर जी, ठीक है। तो ठीक है, इंतजार करते हैं। चारों तरफ फैल जाओ। यही पकड़ लो, एच डी के बारे में यही उबलवा लेते इसे। नहीं दया, अभी नहीं। मुझे नहीं लगता ये अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आया है, तो दूसरी बात है, देखते हैं। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं लग रही है, इनफैक्ट दोस्त भी नहीं लग रही है सर, दोनों टेंशन में है। हाँ, लड़की काफी डरी हुई लगती है सर।
उसके हाथ में जो बैग है शायद उसी का कोई चक्कर होगा सर। ऊपर आ रहे दोनों।
गया सर, जाके देखो क्या बातें हो रही है। अमृत मग्न था के ध्यान से सुनना क्या बात करती हो। अच्छा और हर बात की खबर देना। हाँ हाँ नाटक शुरू कर दिया। एक्टिंग चल रही है सर, उसने उस लड़की से पहले पूछा कि तैयार हो, तो फिर उसके इशारे पे वैसे हंसने लगे। देखते हैं जरा, रुक कर देखते हैं। आदमी के हाथ में देखे बिल्कुल वैसा ही बैग है। सर यहाँ पे बैग की अदला बदली होने वाली है, ये टोपी वाला इस लड़की का बैग लेके जाएगा सर, ये देखिए ये उठाया सर, ये अरे ये तो अपना ही बैग उठा लेंगे। ये तो चला गया, ले पीछा करो उसका देखो। तुम इन दोनों का पीछा करो, मैं टोपी वाले के पीछे जाता हूँ। हाँ चल।
किसी का इंतजार कर रहा है। छोड़कर भाग गया सर। हाँ, मैं जाऊं उसके पीछे। जल्दी जाओ। ये लड़की कौन है? यहां कर क्या रही है? टोपी वाले का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? वो मर गया। मर गया? डैमेज। डैमेज। निकल गए। बैग भी गया। जाना कहाँ चाहते हैं? रहस्य बढ़ता जा रहा है। आखिर इस बैग में है क्या? कोई कीमती चीज है तो जल्दी से जाके किसी को देख क्यों नहीं देते? ये पूरा बंड घुमा के रख दिया है। पता नहीं दूसरे बैग में क्या है। शायद इसी साहब को पता चल गया हो कि वो टोपी वाला इन लोगों से क्या लेते गया। Thank you.
हमारी शिकार तो निकल गई। क्या क्या हुआ क्या? वो टोपी वाला जो बैग लेके निकला था उसे किसी ने मार दिया, मगर मरने से पहले उसने वो बैग किसी लड़की के हवाले कर दी। तो वो लड़की कहाँ गई? अरे गई कहाँ, निकल गई हाथ से। हम लड़के को देखने भागे तब तक ये लड़की रफू चक्कर हो गई। तब ये आदमी अपने पीछे कोई गवाह छोड़ ही नहीं रहा, काम निकला तो खत्म कर देता आदमी। रहेगा पास ना बजेगी पास। ऐसा करो, इन दोनों पर भी नजर रखो, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सर इन लोगों को पकड़ लेते हैं सर, इन्हीं से पता चल जाएगा इनके प्लान के बारे में। हाँ सर, हमारे साथ रहेंगे तो कोई अटैक भी नहीं कर सकेगा इन पे। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? पहचाना नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, हमें तुम दोनों से कुछ बातचीत करनी है, समझे? लेकिन हमें बादलों से कोई बातचीत नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे, इतनी दूर से आए हैं तुम लोगों के पीछे पीछे, बर्न स्टेशन से लेके यहां तक बात तो करनी पड़ेगी। ये बैग का क्या चक्कर है और उस बैग में क्या था जो तुमने उस आदमी को दिया है? तुम लोगों की वजह से एक आदमी की जान गई है, किसी ने जान से मार दिया उसे। जब मेरा हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। हाँ, पियानो। In this land, man mag das nicht. Okay. ये बताओ कि मामला क्या है? क्या है इस बैग में? हमें नहीं मालूम क्या है। बैग लेके घूम रहा है और बोल रहा है मालूम नहीं है? सर हमें सिर्फ इस बैग को अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए कहा गया था। ये सब काम करने के लिए कितने पैसे देता है तुम्हें HD? 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 हाँ HD। सर हम किसी HD को नहीं जानते। इस आदमी को पहचानते हो? ये तो कैप्टन है सर। ये कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, ये HD है, यही है HD। अरे नहीं सर, हम इसे कैप्टन के नाम से जानते हैं। ये कोई कैप्टन चैप्टन नहीं है, अपराधी यही है, अपराधी। पहले एक CID ऑफिसर हुआ करता था, आजकल ये देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बैग खोलो। बैग तो खाली है सर। कहाँ ले जा रहे थे ये खाली बैग? ये ट्रेस फंटाश है, विकॉमन वीर वीर ब्रिंकिंग डर्टीन। क्या क्या बोला इसने? बस तो यही पास में है, और की बहुत पुरानी जगह है, सुंदर जगह है। ठीक है, तुम दोनों ये बैग कुकू क्लॉक पर जाके रखो, देखते हैं इस कुकू क्लॉक पर होता क्या है। तो ये है वो जगह कुकू क्लॉक वाली? हाँ सर, ये वही जगह। ये बैग कहाँ रखने वाले थे तुम लोग? सर वो जो साइन बोर्ड दिख रहा है सर, उसी के नीचे। ठीक है, तुम दोनों बैग रखो, अपना काम पूरा करो, आगे हम देखते हैं। चलो
देखते हैं कि क्या करती है ये। तो लड़की तो गायब हो गए। बड़ी तेज गर्लफ्रेंड ढूंढी है तुमने, उसी वक्त में तुम्हें हमारे पास छोड़कर चली गई। सर उस आदमी के पास देखिए सर, वो बिल्कुल वैसा ही बैग है। तो और भी लोग आ रहे हैं सामान लेकर, मानना पड़ेगा। खाली बैग और भरी हुई बैग की अदला बदल करने के लिए बड़े लोग रखे हैं। क्या इस बैग में किस चीज की हो रही है इतनी लंबी प्लानिंग सर? अभिजीत, बैग के अंदर क्या है ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि इनके काम के बाद ये बैग लेकर कौन जाएगा। सारा मार्केट देख लिया, वो लड़की कहीं नहीं दिखी। कहीं नहीं? नहीं। कहाँ गई वो लड़की? हैं? मालूम नहीं सर। कोई बात नहीं अभिजीत, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। ये ही पहुंचाएगा हमें उस तक। सर, बैग तीसरी बार बदला जाने वाला है। अब कौन लेने आएगा? देखते हैं। खड़ी हो गई है। हाँ तो ये आदमी भी अभी तक यहीं था। इशारा कर रही है सर। अरे ये तो लेकर निकल गई। देख जल्दी तुम उस आदमी के पीछे जाओ। नहीं सर। अभिजीत भाई वाले करते हैं, इस लड़की को पकड़ देते हैं। Thank you.
बहुत भगाएगा, किससे बचाए? बोल, नाम क्या तेरा? रघु। रघु, ये पैसे किसके लिए लेने आया था? नहीं मालूम। नहीं, HD कहाँ है? HD? हाँ। हाँ, where is my HD? Can you name one from the HD? HD कहाँ नहीं मालूम? नहीं जानता तू? Varun fragst du mich? एक बैग के पीछे इतना हंगामा? हाँ सर, पता नहीं बैग में सोना भरा है कि बॉम्ब है। कुछ भी हो, जो कुछ भी है, कुछ खास है। इतने लोगों के हाथों में से ये बैग गया है, एक आदमी का खून भी तो हुआ इस बैग के पीछे। हेलो, मेरे पास ही है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक उसी तरह जा रहा है। ओके, वहीं आती हूँ। यस, मे आई हेल्प यू? जी बिल्कुल। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? हम तो अपना काम कर रहे हैं। Don't act smart. तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन और इस बैग में क्या है। बैग में? हाँ, इस बैग में क्या है? मेरा बैग है, मैं क्यों बताऊँ इसमें क्या है? देखो, वैसे तुम सुबह से इस बैग का पीछा कर रहे हैं, अब रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से बता दो क्या है बैग में। देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। CID तुम्हारे सामने है, पुलिस को बुलाना चाहती हो? मैं SAP प्रद्युमन, CID। मैं हरप्रीत डोंगारा को ढूंढ रहा हूँ। अब बैग खुलेगी? क्या है इसमें? मुझे नहीं मालूम। सच में नहीं मालूम है या बताना नहीं चाहती? नहीं सर, मुझे सचमुच नहीं मालूम। बैग इधर दे। अगला। इतने सारे पैसे और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सच सच बताओ, ये पैसे ढूंढा रखे? सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो मुझे मार डालेगा सर। मार डालेगा? हाँ सर, किसी ने मुझे धमकी दी है, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। अरे है कहाँ वो? हैं? तो आते क्यों नहीं? क्या क्या चल क्या रहा है? अरे यार, वो खेकड़े मेरे पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, मैं कौन से समुंदर में नहा नहीं रहा हूँ, खेकड़े बोले तो वो स्वेट पीछे पड़ गए। हाँ हाँ, जानता हूँ मैंने मार दिया तो उनको, लेकिन वो मरते नहीं ना। हाँ, पड़ गए पीछे। हाँ हेलो, हाँ ये देखो, मैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट राह दिखूंगा वरना चला जाऊंगा। हाँ वे गए, रख रख फोन कर दे, रख। सर, सारा पैसा इकट्ठा हो गया। कहाँ है पैसा? होटल में पहुंचा दिया है। कितना? आपका इंडिया को बर्बाद करने का जो प्लान था ना, उसके लिए काफी है। मतलब इंडिया बर्बाद हो गया? हाँ पक्का। गरीबों के निकले थे, चलो ऐश मनाते, जश्न मनाते हैं। लेकिन वो CID वालों का क्या होगा? CID का नाम लो तू। CID वाले तो बर्बाद हो जाएंगे ना,
इंडिया में रहेंगे तो मार सकते हो ना उनको मैं, लेकिन वो तो यहाँ भी आ गए, स्विट्जरलैंड में भी आ गए, मुझे सुनते सुनते कुत्ते, वो जूरिक में गया वहां भी है, बर्न में गया वहां भी, लेकिन अब सब खत्म, सब खत्म, हाँ सब खत्म। खत्म मतलब वो खत्म हो जाएंगे या आप? अबे मोहिंजोदड़ो, तू तो वही चाहता है ना, तू पटाखे फोड़ेगा, तू मिठाई बांटेगा, तू दिवाली मनाएगा? नहीं सर, ना तू दिवाली मनाएगा, ना तू मिठाई बांटेगा, ना तू पटाखे फोड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ मुझे ढूंढने आए, मैं निकल जाऊंगा पेरिस, यहाँ बर्फ में मुझे ढूंढते ढूंढते बर्फ हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिनिश फिनिश। सर मैं भी आऊँ मेरे साथ? हाँ हाँ चलोगे? हाँ तो वो जो बुला रहे उसका क्या करोगे? कौन सर? कोई मेरा भी है बुलाने वाला। हाँ वही ऊपर वाला, कितने दिन मैंने तुम्हें सहन किया, उसने तुम्हें बुलाया, उसे भी सहन कर रहे तू? अंजलि, किसने दी धमकी तुम्हें? कौन कर रहा है ये सब? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। वो कैसे? वो मेरे बच्चों को मार डालेगा सर। कौन कौन मार डालेगा सर? किसने पकड़ के रखा तुम्हारे बच्चों को? एचडी एचडी हरपिस ढूंगरा, तुम्हारे बच्चों को उसने पकड़ के रखा है? ये एचडी के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, तुम जानती हो उसे? मेरे पति उनके लिए काम करते थे, ऐसा ही कोई काम करते हुए उनकी मौत हो गई, घर में बच्चे थे सर, उनका पेट तो भरना ही था ना, इसलिए मदद के लिए मैं एचडी के पास चली गई और उसने मुझे पैसे दिए। और बाद में उसने तुमसे ये काम करवाया? मैंने बहुत मना किया सर, तो उसने कहा कि काम तो करना पड़ेगा वरना पैसे लौटा दो। मैं पैसे कहाँ से लौटाती सर? तो फिर क्या किया? उसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मुझे उसकी बात माननी पड़ी, काम करना पड़ा मुझे सर, डर की वजह से आज तक कर रही हूँ। तुम्हें मालूम था इस बैग में क्या है? नहीं सर। हजार हजार के स्विस फ्रैंक भरे पड़े हैं इस बैग में, और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है? दो नंबर का पैसा यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, समझे? खाली बैग रखो और भरा बैग लेके जाओ। वो फ्रेंच पुलिस वाली इंस्पेक्टर जुली ने बताया था कि हरफिज आजकल अमीर लोगों से मिल रहा है, पैसे ले रहा है उनसे। तुम ये बैग कहाँ लेके जा रही थी? ज्यूरिख स्टेशन कल। अच्छा, उस आदमी का फोन नंबर है तुम्हारे पास जिसे तुम मिलने वाली हो ज्यूरिख स्टेशन पर? हाँ। 0041-191-41 सर, मुझे लगता है इसे कल ये बैग लेके ज्यूरिख स्टेशन जाना चाहिए, वहाँ पता चल जाएगी कि वो दूसरा आदमी है कौन। मैं? आइडिया तो अच्छा है अभिजीत, लेकिन इसकी जान को खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो अनिल, जिस आदमी को तुम मिलने वाली हो उसे फोन करो और कहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई और आएगा बैग लेकर। हेलो, अनीला बोल रही हूँ, वो मेरी तबीयत खराब हो गई है। नहीं, बैग आप तक पहुँच जाएगा कल, मेरा आदमी ले आएगा। नो नो डोंट वरी,
मेरी पहचान का ही है। हाँ बाय। अभिजीत ये बैग कल तुम लेके जाओ, देखते हैं कौन मिलता है ज्यूरिख स्टेशन पर। किसी में भी शक हुआ तो मैं बताता हूँ, पर उस आदमी को 5 बजे तक पहुँचना था। 5:05 हो चुके हैं। हाँ आदमी क्यों गया, कोई औरत भी हो सकती है। हाँ अभिजीत इस हरप्रीत जुंगारा के गैंग में बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो सही। हाँ इतने पैसे छोड़ के कोई जाएगा क्यों, कोई ना कोई तो लेने ज़रूर आएगा। अच्छा तो ये मुझे फंसाने की चाल थी है? जी सर आखिर कामयाब चाल, आपकी और आपकी साथियों की छुट्टी। अभी जल्दी से बाय बाय बोल दो। इतनी जल्दी क्या है, हमें जल्दी है तुम्हें ऊपर पहुंचाने की। अच्छा मारो इसे। मारना है तो आओ ना, देर किस बात की है।
किसने भेजा था तुम्हें? बोल। ये मच्छर लोग मारने चले थे। देख, जब मेरा हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। 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 किसने भेजा? बोल। एक औरत है। औरत? हाँ। कौन औरत? मैं उसे नहीं जानता। आप लोग खत्म करने के बाद वो मुझे मिलने वाली है। मेरी इंतजार कर चुकी। ओहो बेचारी बड़ी देर से परेशान हो रही होगी। चलो चलो हम भी चलकर मिल लेते हैं। पक्का यकीन है तुम्हें? यहीं पर बुलाया था उस औरत ने? जी सर, यही जगह पर मुझे आने के लिए कहा था। यही वो मेरे काम के पैसे देने के लिए आई। काम तो हुआ ही नहीं सर। हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो। बर्न हाउस में एग्जैक्टली कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था? यहाँ सर, इस जगह। कहाँ? ये तो सर अजय का घर है। मूव, कम कम, आउट ऑफ़ हियर, कम हियर, कम, मूव फास्ट, कम। Come on, come on, move fast, come, move come, fast, come, come, fast. Ha, क्यों मारना चाहती हो हमें? Wir haben nichts gemacht. Warum sollen wir sie töten? Das hat Herpes von uns verlangt. क्या कह रही है? ये कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, हम आपको क्यों मारेंगे? और इसने करवाने के लिए कहा था। Salut, Madame Mondessa. इसने करने के लिए कहा था। इसने कहा था? Oui. तुम्हें क्या लगा? हम लोगों को मारना इतना आसान है? तुम्हें पता कैसे चलता था कि हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें जो कहा जाता है हम बस वही करते हैं। सर, एक ही इंसान है जिसे मालूम था कि हम ये बैग लेके स्टेशन पे खड़े होंगे, और वो है अनिला। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो अनिला ही है। यस सर, अनिला। जी, अब बताइए क्यों क्यों मरवाना चाहती है हमें? मैं ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे? सब कुछ सामने आ गया है। मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उसने किया है। उसने? किसने? हरपिस, हरपिस डोंगारा सर। क्या? हरपिस? हाँ सर, उसे पता चल गया कि आप लोग बैग का पीछा कर रहे थे। याद है उस दिन मुझे एक फोन आया था? हेलो, मेरे पास ही है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक उसी तरह जा रहा है। किसने किया था वो? हरपिस ने। क्या? हरपिस ने तुम्हें हमारी नाक के नीचे फोन किया और तुमने हमें बताया नहीं? मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उस नटालिया ने किया है। जब वो आप लोगों से बचकर भागी तो उसने तुरंत हरपिस को फोन किया और सब कुछ बता दिया उसे। मेरे बच्चों को हरपिस ने पकड़ रखा है सर, मैं क्या करती? सर, उसे भनक भी लग गई कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता रही हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा वो मुझे सर। मेरे बच्चों को प्लीज बचा लीजिए सर, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए, प्लीज मेरे बच्चों को बचा। सर, वो मुझे मार डालेगा सर। नहीं मारेगा, तुम ठीक हो?
Look down! Stop! You stop! तुम भाग के नहीं जा सकते, देखो रुक जाओ। ऐसे नहीं मानेगा, मुझे भागना ही पड़ेगा। भाग के जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। एक बार हाथ आ गया ना इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। बैठ। हाँ पास, थोड़ा और पास, पास। ब्लास्ट हो गया बोट। सर, हेल्प! सर, हेल्प! लीव मी! सर, हेल्प! ओए! मैं यहां देख रहा था, कुत्ते में कोई अनिया को उठाकर ले गया। क्या जो आदमी उसे मारने आया था अब वो भी मारा गया ब्लास्ट में? सर, हरपिस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी गर्लफ्रेंड, वो गोरी सर, वही हमें हरपिस तक पहुंचाएगी। वो लड़की सबरीना हमें यहीं पर मिलने वाली है। सर, ये लड़की हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। इस हरपिस डोंगारा के बारे में और जानकारी हमें यही लड़की दे सकती है। सर, हरपिस की गर्लफ्रेंड है, कहीं धोखा न दे दे। दे दिया तो दे दिया, क्या कर सकते। ये वही है क्या? Je vous connais, hein? Vous me suivez depuis Montmartre. Pourquoi? Sir, ये कह रही है कि ये आपको जानती है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक क्रिमिनल है? Ton copain, c'est un grand criminel. Il a même essayé de nous tuer. मालूम है? उसने हमें भी मारने की कोशिश की थी। Non, ce n'est pas possible. C'est faux. Il n'aurait jamais pu faire ça. Sir, ये बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है। वो ऐसा नहीं कर सकता। जरा इन्हें बताओ, हम लोग CID मुंबई से आए हैं। हम वहाँ से यहाँ तक हरपिस डोंगारा को पकड़ने के लिए आए हैं। उसने हमारे पूरी CID टीम को जान से मारने की कोशिश की। Il s'est venu de Mumbai, c'est des policiers. Ton copain a essayé de tuer tous ces gens en Inde. Listen, हमारी मदद करो हरपिस डोंगारा को पकड़ने में। Maintenant, vous allez nous aider à le rattraper. Oui, je vais vous aider. Sir, ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। देर लग गया सर। हाँ, इसको बोलो बुलाए यहाँ पे उसे। Écoute, demande à ton copain de venir ici. Appelle-le. D'accord, mais on ne s'est pas croisé depuis plusieurs jours. Sir, वैसे भी काफी दिनों से ही अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली है। ये उसको फोन करेगी। ठीक है, जल्दी करो। Hello, Michael. Est-ce que je pourrais parler à HD? Allô, darling. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Il a raccroché. Il a dit qu'il avait une autre copine et qu'il ne voulait plus me voir. Usne kaha ki ab uski nayi girlfriend hai. Wo isse nahi milna chahta. Ne vous inquiétez pas, je vais le rappeler, moi. Allô, Michael? C'est Sabrina. ये HD
यहीं कहीं छुपा है, यहीं कहीं आसपास, यही जगह बताई थी उस महिपाल। इंटरलॉक इन्वेस्ट तो यही है सर। शुरुआत में जो पैसे इकट्ठे कर रहा है वो किसी बड़े खतरनाक काम के लिए कर रहा है, शायद हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। मगर वो सब यहाँ बैठ के क्यों कर रहा है? जिस तरीके से उसने हमें ख़त्म करने की कोशिश की थी उससे ऐसा लगता है वो कुछ भी कर सकता है। उसे अभी यही नहीं रोका गया तो देश में बर्बादी फैला देगा सर। तो मुझे लगता है अगर वो मिल गया तो हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे सर। हाँ, गिरफ्तार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसे। हाँ सर, थोड़ी देर के लिए ही है ना। थोड़ी देर के लिए। फोटो दिखाओ सबको। हाँ सर। हाँ अभी एक औरत ने देखा हर्पिस को यहाँ पे। देखा? हाँ। क्या अभी? हर्पिस है यहाँ पे, एक लड़की के साथ घूम रहा है। वो बता रहा था कि पैराग्लाइडिंग करने आए थे वो लोग, पैराशूट से छलांग मारने के लिए। पैराग्लाइडिंग? हाँ। अच्छा, मतलब हर्पिस अब हवा में उड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऊपर से देख के भाग जाए वो? तो ऐसा करो, तुम भी ऊपर जाओ अभी के अभी और देखो इनमें से कौन है वो जो हवा के झोंके खा रहा है। हाँ अभिजीत, पहुंच गए क्या? हाँ सर, मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। कितना टाइम है तुम्हें फ्लाई करने में? ये पैराशूट वगैरह फैला रहे हैं सर। कितना वक्त है उड़ने में? मेरा ख्याल है एक मिनट में। सर अभी टेक ऑफ किया है, क्या वो हर्पिस दिख रहा है क्या तुम्हें ऊपर? असल में देख रहा हूं, यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं इधर उधर चला गया हो तो कह नहीं सकते। अच्छी तरह से देखो अभी जी, तुम्हारी नजर से छूट ना जाए।
सर, हाँ सर, वो लड़की अनीला कहाँ पर है वो? हाँ सर, वो नीचे है, मैंने देखा उसे। हाँ सर, पार्क में, पार्क में। हम लोग पार्क के पास में ही है, आपसे तो 200 मीटर दूर होगी सर। बस तो हम लोग अभी वहां जाते। या हाँ बिल्कुल सेंटर में चल रही है सर, मैंने देखा उसे। आप लोग जल्दी आइए सर, जल्दी। देखिए वो आपको यहाँ पे। नहीं अभिजीत, जब तक हम लोग यहाँ पहुंचे वो निकल गई। अभिजीत, तुम्हें यकीन है वो अनीला ही थी? सर बिल्कुल यकीन है, वो अनीला ही थी सर। साफ साफ दिख रहा था ऊपर से। सर मुझे पूरा यकीन है वो अनीला ही थी सर। तो हमें तो लग रहा था कि अनीला की जान खतरे में है, उसका किडनैप हो गया और वो यहाँ घूम रही थी। तो जो लड़की हरप्रीत डोंगारा के साथ है वो अनीला है। इतने आराम से घूम रही थी सर, वो हरप्रीत के साथ नहीं है। ऐश कर रहे हैं दोनों यहाँ पे। इसका मतलब सर ये लड़की हरप्रीत के गैंग वाली है, और जो गोलियां चली थी वहां जेटी में वो अनीला को मारने के लिए नहीं, वो हमारे लिए थी। इस अनीला को ही ढूंढो, जहां पर वो है वहीं पर हरप्रीत डोंगारा भी होगा। यहाँ के एक एक होटल में जाकर देखो, देखो कहां छुप कर बैठे दोनों। इंटरलाकन के सारे होटल्स देख लिए, ना ही हरप्रीत डोंगारा और ना ही वो लड़की अनीला को किसी ने देखा है। छुप के बैठे कहाँ हैं? इंटरलाकन तो बहुत छोटी सी जगह है। जहाँ कहीं भी हो अभिजीत, लेकिन वो इंटरलाकन से निकलना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से निकला तो मिलना बहुत मुश्किल है। सर कहीं हरप्रीत नहीं है, कहीं उससे मिलने तो नहीं जा रही? पकड़ो उसे। अभिजीत यहीं पे थी तो फिर वो यहीं के आसपास ही होनी चाहिए। ढूंढो ढूंढो। सर, सर पता चल गया, वो यहाँ थी शिल्टन में। शिल्टन? ये शिल्टन है क्या? सर शिल्टन पहाड़ों के ऊपर एक जगह है, करीब 10,000 फीट पे। वहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, और इस अनीला ने म्यूरेन के लिए 2 टिकटें खरीदी है। म्यूरेन कहाँ? ये शिल्टन के रास्ते में ही पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा गाँव है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। ये बता रहे थे कि उससे खूबसूरत जगह यहाँ पे कोई है ही नहीं। टिकट किस चीज के लिए खरीदी? क्या वहाँ पर कार वगैरह जाती नहीं है? नहीं सर, वहाँ पे कार वगैरह नहीं जाती है। वहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, केबल कार। और अनीला ने वहाँ पे जाने के लिए 2 टिकटें खरीदी हैं सर, 2। मतलब हरप्रीत डोंगारा म्यूरेन दर्शन के लिए निकला है। चलो हम भी म्यूरेन की टिकटें खरीदते हैं, वहीं पर दबोचेंगे दोनों को। Thank you.
जाने वाली जा रही हूँ। अरे फोटो देखना, इन दोनों को देखा है यहाँ पे? इन दोनों ये अभी भी इधर से? हाँ हाँ ये दोनों साथ में थे। हाँ सर चलो। जिसकी खबर यहीं खोदते हैं सर। हाथ में है तो गोली मार दो। ये धरती पे कहीं स्वर्ग होगा ना तो यहाँ पे ये भगवान ने बहुत ये फुर्सत से बनाया हुई जगह। देखो इसे तराश तराश के बनाई है। जिस जगह पे आने के लिए लोग तरसते हैं ऐसी खूबसूरत जगह पे इस गंदे आदमी के पैर पड़ गए। अब ये ज्यादा कीचड़ नहीं फैला पाएगा सर, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये आदमी एक बार हाथ लग जाए फिर देखना इसकी। हाँ वहां देखो कितने प्यारे लाल फूल हैं। ये लाल फूल देखकर मुझे खून की याद आती है। चलो चलो मजा करता हूँ। चलो यहाँ पे छोटे छोटे होटल हैं, हर एक होटल में जाकर देखना पड़ेगा कहाँ पे छुपा है ये। चाहे कुछ भी हो जाए सर खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाथ उसके गर्दन तक पहुंचने के लिए मच मचा रहे हैं सर। ऐसा मजाक मत करो। ओके आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं कान पकड़ के उठक बैठक करता हूँ। एचडी कितने अच्छे घर है ना यहाँ पर। मैं भी सोचता हूँ कि एक हाथ ये झोपड़ा खरीद लूँ। बहुत महंगे होंगे। नहीं नहीं यही कोई 15 करोड़ के होंगे। 15 करोड़? हाँ फिर देखो। एचडी कितना फ्रेश पानी है। हे क्या हुआ, काटा कोई? एसीपी एसीपी तो इतना बम से उड़ा फिर भी मरता नहीं चला। फक अर्पित अर्पित रुक जा। अरे गया किधर?
आधे देखा नहीं क्या तो नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं मैं कहाँ भाग सकता हूँ चल जल्दी नहीं बोला हमें पकड़ लेंगे तुम उनसे माफी मांग लो प्लीज अरे माफी मांगने के लिए मैंने कहा रबर बैंड पूरा इतना बड़ा बांध पड़ा उन लोगों ने मुझसे माफी मांगने के चल चल ए भाई हरप्रीत बस माय गॉड गोली लड़की को लग गई ये सब फिर बच गया सर जल्दी जाके छुप रहा है छुपने दो कहां तक छुपेगा
नीचे देखो, नीचे नीचे जाकर छुप गया होगा। देखो यहीं कहीं छुपा होगा, छोड़ो मत उसे। डोंगारा, मैंने कहा था ना तुझे, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, सीआईडी तुझे ढूंढ ही लेगी। ये तो एक पहाड़ है एसीबी, बहुत सारे पहाड़ है। तुझे यहाँ से जाने देंगे तब ना? एक एक नहीं 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 मार मार ना, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। सर ये सांप है, सांप ये काटेगा जरूर। सरेंडर सरेंडर। मर गया हरप्रीत डोंगर? जलस जलस। एसीपी प्रद्युमन, मैं तेरे से अच्छा सीआईडी ऑफिसर हूँ। मेरे से अच्छा सीआईडी ऑफिसर? तू एक सिफारिश से आया हुआ ऑफिसर था। आखिर तक माफी नहीं मांगी इसने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.